एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं अपने बालों को किस तरह से सुखाती हूँ और वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मैं अपने बालों को मैंने धो लिए हैं, कि मैं सुखा धो लिए मैंने अच्छे से। और दोस्तों, मैं हमेशा सॉफ्ट तोयला का यूज़ करती हूँ, कॉटन तोयला का यूज़ करती हूँ। अगर कॉटन तोयला नहीं हो आपके पास तो आप टी शर्ट, कॉटन वाली टी शर्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान रखें दोस्तों, बालों को हमेशा इस तरह से सुखाएं, रफ बिल्कुल भी ना करें, इससे बाल हमारे टूट जाते हैं और दो मुए वाले बाल आ जाते हैं। तो ध्यान रखें, और अब ध्यान रखें कि गीले बालों पे कंघे बिल्कुल भी ना करें, अगर करें तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से करें। इससे बाल हमारे जल्दी से टूट जाता है, अगर गीले बाल पर हम कंघी करेंगे, कॉम करेंगे, इससे बाल हमारे जल्दी से टूट जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे करके एक एक बाल को हम अच्छे से करेंगे कंघी। और दोस्तों, ध्यान रखें कि नेचुरल हवा से बाल को ज़्यादा सुखाएं, इससे हमारे बाल बहुत ठीक रहते हैं और नेचुरल से हमारे बाल थोड़े से अच्छे से मतलब ठीक रहते हैं। अगर हम ड्राई हेयर से सुखाएंगे, इससे बाल हमारे जल्द से जल्द झड़ना स्टार्ट हो जाता है और दो मुए वाले बाल भी आ जाते हैं इस साइड। इसका भी ध्यान रखेंगे हम, जो मेरे बालों के लिए अच्छा है और मेरे बालों के लिए बहुत इसको, क्योंकि ये वाला सीरम मुझे बहुत पसंद है और इससे बाल हमारे सॉफ्ट और हल्के हो जाते हैं। चमक स्टिक प्रोफेशनल हेयर बीटा सीरम ग्लासेस जो मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए, ये मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा है और मुझे ये बहुत पसंद है और इससे बाल हल्के और बहुत चमक आ जाती है। इसे लगाने का तरीका, मैंने दो बूंद लिया है और हाथ में मसल लेंगे और हल्के हल्के हाथों में बालों पे लगाएंगे। और धीरे धीरे करके हम कॉम करेंगे, यानी थोड़े थोड़े बाल लेकर अच्छे से कॉम करें, बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से कॉम करेंगे, यानी कंघी करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे बालों की जो चमक है, बिल्कुल शाइन हो रही है, चमक हो रही है, बिल्कुल आ रही है। और आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बताना ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।